जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं घनश्याम स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब परिवार एसएससी एस्पिरेंट स्टडी के अंदर। तो प्यारे दोस्तों, रिसेंट में अभी आपके प्यारे दोस्तों दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के एग्जाम चले हुए हैं, तो उसमें मैं एक सबसे महत्वपूर्ण बात लेकर के आया हूं आपके सामने। सबसे जो इंपॉर्टेंट जो टॉपिक है प्यारे दोस्तों, वो लेकर के आया हूं कि एक छोटी सी गलती आपको परेशानी डाल सकती है, मुसीबत में डाल सकती है, एक छोटी सी गलती, ठीक है। तो जो एग्जाम चला हुआ है उसके अंदर प्यारे दोस्तों आपको पता है डॉक्यूमेंट्स क्या क्या चाहिए एग्जाम में जाने के लिए, उसके बाद में उपस्थित होने के लिए, ठीक है। तो सबसे पहले प्यारे दोस्तों पता है सभी को एडमिट कार्ड चाहिएगा एक, तो उसके बाद में फोटो भी मांग सकते हैं, या एक अपनी फोटो लेके जाए या फिर दो अपनी फोटो लेकर के जाए, ठीक है। उसके बाद में सबसे इंपॉर्टेंट है प्यारे दोस्तों आधार कार्ड और पैन कार्ड, ठीक है। या तो अपना आधार कार्ड लेकर के जाए या फिर अपना पैन कार्ड लेकर के जाए। लेकिन प्यारे दोस्तों दिक्कत कहाँ आ रही है, जो सबसे बड़ी दिक्कत आ रही है ना, तो वो आ रही है अपने जो आधार कार्ड है ना, उनमें जो काफी स्टूडेंट है उनकी जो फोटो अपडेटेड नहीं है, ठीक है। जो कि फोटो है ना वो 4-5 साल पहले की है, या तो या फिर बचपन की है, या फिर मतलब कि बहुत ही पुरानी फोटो है जो कि अपनी जो प्रेजेंट का जो फेस है ना उसमें मैच नहीं हो रही। उसमें क्या है प्यारे दोस्तों, आपको प्रॉब्लम्स देखने को प्रॉब्लम्स फेस करने को मिल सकती हैं कहाँ पर, एग्जामिनेशन सेंटर के ऊपर, ठीक है। जैसे कि अभी मैंने देखा, मेरा एग्जाम था रिसेंट में लखनऊ में, तो मैं वहाँ पर गया एग्जाम देने के लिए। तो मैं जैसे ही मतलब एग्जाम मतलब कि सेंटर में सभी चले गए, तो वहाँ पर हमारी एंट्री होने लगी, ठीक है। उसमें क्या हुआ कि एक बच्चा था, ठीक है, तो उसका क्या था कि वो मेरे पीछे खड़ा था, लेकिन उसमें एक दिक्कत थी, उसका जो आधार कार्ड था ना उसमें उसकी फोटो बचपन की लगी हुई थी, ठीक है, उसका आधार कार्ड अपडेटेड नहीं था। तो उसे मतलब कि साइड में खड़ा कर दिया गया और बोला कि तेरी अदर वेरिफिकेशन होगी या फिर तू एग्जाम में नहीं वो हो सकता, मतलब कि नहीं देने देंगे एग्जाम तेरे को, अदर डॉक्यूमेंट्स लेकर गया अपना, ठीक है, जैसे कोई दूसरी डॉक्यूमेंट्स लेके आया या फिर अपना पैन कार्ड लेके आया, तभी कुछ हो सकता है। तो इसमें क्या है प्यारे दोस्तों, जैसे आपका भी अगर एग्जाम मतलब कि दूर हुआ, लखनऊ हुआ या फिर पटना हुआ या फिर कोई और जगह आपका एग्जाम हुआ, आप अपना मतलब कि एक आधार कार्ड लेकर के चले गए और उसमें आपकी फोटो अपडेट नहीं है, तो उसमें प्यारे दोस्तों आपको प्रॉब्लम हो सकती है या फिर वहाँ पर आपके ऊपर थोड़ी चेकिंग भी हो सकती है, ठीक है। जैसे फिर बाद में मैंने पता किया कि मतलब कि वो जो लड़का है ना उसकी जो आधार कार्ड था उसमें अपडेटेड फोटो अपडेटेड नहीं थी, जिस कारण उसके प्यारे दोस्तों अलग से मतलब कि चेकिंग भी हुई, इसके मतलब कि फिंगरप्रिंट्स भी लिए गए, मतलब कि पूछताछ की गई उससे, ठीक है। तो इससे आपके प्यारे दोस्तों क्या है कि मुसीबत देखने के लिए मिल सकती है। तो इससे क्या है, आप लोगों को एक सिंपली काम करना, या तो अपना मतलब कि जो अपना पैन कार्ड है वो लेकर के जाएं आप, ठीक है, या फिर मतलब कि अपने आधार कार्ड में जिसने भी फोटो अपडेट नहीं करवा रखी है अभी आपके पास, जिसका एग्जाम लेट है, तो वो अपना फोटो अपडेट करवा के जाए एग्जाम सेंटर में जब एग्जाम देने के लिए जाए, ठीक है, या फिर अपनी एक दो फोटो साथ लेकर के जाए। काफी चीजें चेक करने को मतलब कि वहां पर चेकिंग हो सकती है। जैसे उसके बाद में जो उसका एडमिट कार्ड है वो देखा गया, एडमिट कार्ड देखने के बाद में जो एडमिट कार्ड में उसने साइन कर रखे थे ना उस लड़के ने, उसके 3-4 बार वहां पर साइन भी करवा के देखी मेरे सामने कि ये वाले साइन करके दिखाओ, 3-4 बार मतलब उसने साइन किए, फिर ऐसे कुछ मतलब कि और चीजें उसकी मैच की, उसके बाद में ही उसे एग्जाम में बैठने दिया गया। तो आप सभी को ये समस्या का सामना ना करना पड़े, इसलिए आप पहले अपने डॉक्यूमेंट सारे पूरे रखो, अपने आधार कार्ड में फोटो अपडेट नहीं करवा रखी तो आधार कार्ड में फोटो अपडेट करवा लो, तो अपनी फोटो को अपडेट करवा ले, ठीक है। अगर अपडेट आपकी फोटो नहीं हुई ना वहां पर नहीं मिली आधार कार्ड में, तो आपके लिए बहुत बड़ी दिक्कत हो जाएगी, बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। अब ऐसा तो है नहीं एग्जाम में मतलब कि एग्जाम नहीं देने देंगे, एग्जाम दोगे आप, लेकिन वो प्यारे दोस्तों बहुत ज्यादा चेकिंग करने के बाद में आपके काफी चीजें चेक करेंगे वो, उसके बाद में आपको एग्जामिनेशन सेंटर में बैठने देंगे, ठीक है। तो प्यारे दोस्तों आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।